दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टाग्राम अकाउंट पे जीमेल आईडी ऐड कैसे करते हैं। दोस्तों आप इंस्टाग्राम अकाउंट पे जीमेल आईडी को ऐड करना चाहते हैं, आप अपना जीमेल अकाउंट ऐड करना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिए। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा ये अकाउंट है और इस पे मैं आपको अपना जीमेल आईडी ऐड करके दिखाऊंगा और आप उसी तरीके से आप अपना भी जीमेल आईडी ऐड कर सकते हैं और बहुत ही आसान है। दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले प्रोफाइल के आइकन पे क्लिक कर देना है। प्रोफाइल के आइकन पे क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, एक थ्री लाइन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको आ जाना है सेटिंग्स एंड प्राइवेसी के ऑप्शन पे, इस पे आपको क्लिक कर देना है। और इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अकाउंट सेंटर का ऑप्शन दिखेगा, अकाउंट सेंटर के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा लोडिंग लेगा और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको थोड़ा सा नीचे आना है अकाउंट सेटिंग्स के ऑप्शन में, यहाँ पे आपको दूसरे नंबर में दिखेगा पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे तीन ऑप्शन है, कॉन्टैक्ट इन्फो का ऑप्शन, बर्थडे का ऑप्शन, अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल का ऑप्शन, जो कि यहाँ पे कहीं और ध्यान नहीं देना, आपको यहाँ पे आना है कॉन्टैक्ट इन्फो के ऑप्शन में। यहाँ पे जो है दोस्तों मेरा नंबर से कनेक्ट है, मैं यहाँ पे जीमेल आईडी से कनेक्ट करके आपको दिखाऊंगा। तो इस पे आपको क्लिक करना है फ्रेंड्स, और इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नंबर ऐड है यहाँ पे। और जीमेल आईडी ऐड करने के लिए आपको नीचे दिख रहा होगा एक एडेड न्यू कॉन्टैक्ट का ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दिख जाएगा दो ऑप्शन, एडेड मोबाइल नंबर एंड यहाँ पे एडेड जीमेल का ऑप्शन, एडेड ईमेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो है अपना ईमेल टाइप कर देना है। ईमेल ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, अपना ईमेल आईडी मैंने डाल दिया है यहाँ पे, और उसके बाद दोस्तों नीचे आना है और नीचे ये जो दो ऑप्शन दिखा रहा है दोस्तों, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट अगर फेसबुक से कनेक्ट होगा तो यहाँ पे फेसबुक अकाउंट भी शो करेगा। तो अगर आप ये जो है जीमेल आईडी सिर्फ इंस्टाग्राम अकाउंट से कनेक्ट करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो सिर्फ इंस्टाग्राम से को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अगर ये जीमेल आईडी आप फेसबुक से के अकाउंट पे भी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मुझे जो है इंस्टाग्राम अकाउंट पे सिलेक्ट करना है सिर्फ ये जीमेल आईडी, तो फिर मैं यहीं पे ये सिर्फ यही वाला सिलेक्ट कर लिया हूँ। अगर आप चाहते हैं कि दोनों पे आपका जीमेल आईडी ऐड रहे तो आप वो भी कर सकते हैं, इसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे हटा दिया हूँ और सिर्फ इंस्टाग्राम अकाउंट पे ये जीमेल आईडी ऐड करके दिखाऊंगा। तो अब दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अब जो है इस जीमेल आईडी पे ओटीपी आएगा। तो इस ईमेल आईडी पे दोस्तों ओटीपी आएगा, तो थोड़ा देर वेट करते हैं और उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा वेट करने के बाद यहाँ पे ओटीपी आएगा। यहाँ पे दोस्तों हमारे मेल पे ये ओटीपी आया हुआ है 561516। तो दोस्तों यहाँ से हम इसे कॉपी करके देखते हैं और यहाँ पे कॉपी हो रहा है और इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया है और यहाँ से बैक आ जाते हैं और वहाँ पे हमें पेस्ट कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इस ओटीपी को और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों अगर आपका मेल नहीं आया तो आप जीमेल में जाकर एप्लीकेशन में और उसके बाद दोस्तों वहाँ पे आपको चेक कर लेना है कि मेल आया है नहीं आया है। मेरा यहाँ पे नोटिफिकेशन में मेल नहीं आया था तो मैं जीमेल एप्लीकेशन पे जाके वहाँ पे जो देखा हूँ तो वहाँ पे ओटीपी आया हुआ था, तो मैं वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे दिखा रहा है एडेड योर जीमेल टू द अकाउंट सिलेक्ट। तो अब दोस्तों यहाँ पे जो है जीमेल मेरा ऐड हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ से मैं कट कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये जो है नंबर के साथ यहाँ पे जीमेल आईडी में मेरा ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आप जीमेल आईडी को आसानी से ऐड कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।